सहराम, मैं धनंजय मातड़े नारेंगाव, यानी के शिवनेरी की शिव जन्मभूमि, छत्रपति शिव जन्मभूमि से मैं बोल रहा है। मैं अपने साईं बाबा के जो कोई मेरा अनुभव है वो आपको बताना चाहता हूँ। साईं बाबा का मैं पूरा भक्ति करता हूँ। मुझे बहुत बार ये साईं बाबा ने दृष्टांत दिया है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे जो भी अड़चन है उसमें मैं तेरी राहत कर सकता हूँ। बाबा का जो बोल है श्रद्धा और सबूरी का, उस पे वो अपन आगे निकलते हैं तो अपने को अच्छा फल मिलता है। मैं एक पिछले अभी रामनवमी हो गई, उसका एक अनुभव मेरे पर आया। जो हमारे यहाँ मंदिर है, मंदिर में रामनवमी के दिन हम पूजा करने लग रहे थे, सब मिल बैठ के अभिषेक करने लग गए थे, तो भूल के हमारे तरफ से तस्वीर को, हार लेने को हम भूल गए थे। उस वक्त हमें 2 या 3 किलोमीटर पे गांव है मंदिर से, तो वो हार लेने को जाने के लिए हम एक जन को बोल गए। तब दरवाजे पे देखा तो एक साई भक्त ने कि बड़ा सा हार बाबा की तस्वीर के लिए हाथ में ऐसा सीधा करके हमारे हाथ में दिया, ये लो बेटो आप रामनवमी आज आज ये राम के ये तस्वीर को पहना दो मेरा हार। तो बाबा अपने दिल से जो आपको जो भी कोई अड़चन आती है, दिक्कत आती है, उसमें हमारे साईं बाबा ऐसे साथ में साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरा एक अनुभव ऐसा है कि साई चरित्र श्रावण महीने में हम पढ़ते हैं, तब जो सुख आती है पढ़ के साई चरित्र, तो बोला खड़ी शक्कर मांगती है हमको। तो खड़ी शक्कर तो मंदिर में नहीं थी, वो एक भगवान ने प्रसाद के रूप में 10 या 15 मिनट में खड़ी शक्कर हमारे हाथ में दे दी। ऐसे बहुत से अनुभव हर रोज हमारे दिन में जब भी हम पॉजिटिव थिंकिंग से देखते हैं तो बाबा हमें दिखते हैं। अभी पिछले बार हम रामनवमी के त्योहार के बाद शिरडी में गए थे, पति थे और संडे, और 3 दिन की छुट्टी थी, बहुत भीड़ थी, 5-6 घंटे दर्शन को लग रहे थे। हमें लगा चलो अभी बाहर से ही दर्शन लेते हैं और निकल के आते, पर फिर बोले कि अभी 100-150 किलोमीटर से इधर इतना लंबा आ गए तो क्या करेंगे, दर्शन तो लेना ही पड़ेगा। अंदर लाइन में घुस गए तो ऐसा हो गया कि दर्शन की जो वेटिंग रूम है, पहले रूम से सीधा दूसरे नंबर के रूम पे हमें भेज दिया, और एक 10 मिनट में या 15 मिनट के अंदर ही हम बाबा का दर्शन लेके मंदिर से बाबा का दर्शन आंखों से लिया और समाधान हो गए। ये बाबा के लिए जो जो भी कोई व्यक्ति है मन से मांगोगे तो बाबा उनको झोली भर के देता है। इसलिए अपने को श्रद्धा बाबा पे और अपने कष्ट पे रखना चाहिए, और ये सबूरी का फल और ये सबूरी का ज्ञान बाबा ने जो हमें दिया है वो हम आचरण मिलाए तो हमारा भला ही होगा, भला ही होगा। ओम साई राम।